ज़्यादा मायने रखता है हम सब के लिए, जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं सब के लिए मायने रखता है, और हमारे लिए प्रेशियस भी है, बिकॉज़ आप जब काम करते हो और आपको जब बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है और इतने इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म पर मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी है। नहीं मम्मा हेलो खुशी है कि बच्चे आज आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अवार्ड के लिए, और मुझे लगता है कि हर एक इवनिंग ब्यूटीफुल होती है जब आपका अप्रिसिएशन मिलता जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही खुशी हूँ मैं आज, क्योंकि आज फिल्म फ्रेटर्निटी से मुझे अवार्ड मिला जा रहा है। गदर दुगना मैंने सोचा था वो चौगुना हो गया। कितना करोड़ कमाया? आई सर में बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत खुशी की बात है। मैंने जब गदर 2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या ऑप्स रखी हैं, तो मैंने कहा था कि गदर दुगना होगा, गदर चौगुना हो जाएगा ये नहीं पता था, मतलब डबल ट्रिपल 4, 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। आगे उम्मीद और है कि अभी तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं, गॉड इज़ काइंड। मुझे लगता है जब शोले बनी होगी, मुगले आज़म बनी होगी, या बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो आइकॉनिक फिल्म्स हैं, या गदर 1 भी बनी पहले बनी होगी, तो सोचा नहीं गया होगा कि इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा। तो ये वही यही चीज़ जो है गदर 2 के साथ भी हो रही है। फिल्मी अवार्ड में क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके साथ, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके काम को लेकर, तो कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मुबारक है सबसे पहली बात कि फिल्मी अवार्ड ये शुरू किया है इन्होंने, और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ हूँ और ये मुझे कुछ अप्रिशिएट करें, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड I'm wishing them all the best and God bless. ये अच्छे से अच्छा और करें।
वीडियो बंद करना तो क्या बिस्लेरी पानी का बॉटल लाओ भाई इधर नया जोक आयुष नहीं है क्या बात अरे ये आओ मोहन मोहन क्या कर रहा है मोहन मोहन देख तू तो ढूंढ ना मैं वेट करता हूं Like to apologize for being late. आपके लिए इंतजार करते हैं मैम थोड़ा पीछे जाइए मैम क्या कहेंगे राखी उमरा हो गई है यहाँ से भाग गई है ये कहेंगे अगर सच में सऊदी गई है उमराह के लिए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है वो सारे देश के लिए दुआ मांगे अल्लाह ताला से और मैं सऊदी अरेबिया से वहाँ की कॉन्सुलेट से ये जानना चाहती हूँ कि क्या राखी सावंत मुसलमान बन चुकी है सही मायनों में क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई गैर मुसलमान उमराह के लिए नहीं जा सकता है सच तो अगर वो सही मायनों में मुसलमान बन गई है तो क्या उनका पासपोर्ट आधार कार्ड पैन कार्ड इन तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है तो वो बताएं मीडिया के सामने आकर कि उनके पासपोर्ट पर उनका नाम क्या है फातिमा है या राखी सावंत है पैन कार्ड आधार कार्ड पर उनका नाम क्या है फातिमा है या राखी सावंत है हमें बताए वो कि सच में उमराव के लिए गई है या ये कोई स्टंट है पब्लिसिटी स्टंट दूसरी बात कल मेरे व्हाट्सएप पर कुछ मीडिया के दोस्तों ने राखी सावंत का एक वॉइस नोट भेजा मुझको जिसमें क्या मैं प्ले करूँ आपको भी पता है आपने मुझे राखी कैसे ये देखिए सुनिए देखिए राष्ट्रीय ने मिलकर उनका इंस्टाग्राम उड़ा दिया ये इनका दावा है तो जैसे ही Thank you.
रोल है सबका। ओके सो सबसे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है ब्लैक और ब्यूटीफुल लग सकता है। थैंक यू इंडियन फिल्मी अवार्ड है आज की शाम आपको एप्रिसिएशन मिलने वाला है जो आप काम करते हैं उसका आपको ढेरों सारे एप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्मी अवार्ड को लेकर शनि जी जब आपको लोग पसंद जो आप काम करते हैं लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और आपको अवार्ड मिल रहा है। इंडियन फिल्म हिस्ट्री को मैं धन्यवाद कहती हूँ उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझको इस मंच पर बुलाया सम्मानित करने के लिए मेरी कला के लिए। जो आपने देखा होगा मेरी लेटेस्ट वेब सीरीज में एकता कपूर जी आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया एक अद्भुत किरदार निभाने का। सराहते हैं जी बड़ा अच्छा लगता है जब हमें जाना जाता है हमारे काम के लिए जब हमें सम्मानित किया जाता है नवाजा जाता है जब कहा जाता है कि हम एक बहुत अच्छे गायक हैं या अदाकारा हैं या लेखक हैं तो ये जो प्रशंसा हमें मिलती है उससे हमें गति मिलती है हमें बल मिलता है कि हम और बेहतर काम करें और प्रोत्साहन मिलता है जो बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसके जी 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 हाँ नीचे हाँ सबसे पहले जी जी सुनने में आया कि राखी सावंत उमरा के लिए गई हैं मैं और मेरे सभी फैंस चाहने वाले शुभचिंतक राखी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि वो एक नेक काम के लिए गई हैं। मैं ये अनुरोध करती हूँ राखी सावंत से कि वो पूरे देश के लिए प्रार्थना करें दुआ मांगे अल्लाह से हमारे देश के विकास के लिए तरक्की के लिए इस देश से गरीबी मिट जाए देश में सिर्फ विकास हो विकास ही विकास हो हर तरफ से। अब दूसरी बात यह है कि मैं सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट से ये अनुरोध करती हूँ कि वो हमें राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स बताएं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई गैर मुसलमान उमरा के लिए जा सकता है नहीं और अगर राखी सच में मुसलमान हैं तो क्या उनके पासपोर्ट पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट इन डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम क्या फातिमा है या राखी सावंत है क्योंकि हम सब जानते हैं कि उमरा के लिए कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता है तो वो मीडिया के सामने आकर अपना पासपोर्ट दिखाएं अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और बताएं कि वो अब राखी सावंत नहीं बल्कि फातिमा है। जी 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 सुनना तो पड़ेगा। 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल राष्ट्रीय शर्लिन चोपड़ा इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियंस का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। जैसे कि आपने सुना राखी सावंत का ये दावा है कि आदिल राजश्री और शर्लिन चोपड़ा ने मिलकर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया है। जैसे ही मुझको ये वॉइस नोट मिला मैंने तुरंत एक कंप्लेंट भेजी आप देख सकते हैं इन तमाम ईमेल दिस मैसेज
दिस मैसेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड. ओके, ये ईमेल एड्रेसेस हैं. एक सेकेंड, ये देखिए ये तमाम वो ईमेल एड्रेसेस हैं, साइबर सेल, सीएम ऑफ महाराष्ट्र और कई सारे हैं यहाँ पर, अलग अलग अथॉरिटीज़ के नाम हैं. और मैंने ये लिखा कि सर, राखी सावंत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया. और मैंने कहा कि सर, अगर साइबर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के तहत ये पता चलता है कि ये काम मैंने किया है तो मुझे सज़ा मिले, निश्चित रूप से सज़ा मिले. लेकिन अगर ये साबित होता है कि ये राखी सावंत का कोई प्रैंक है, अगर ये साबित होता है कि ऐसा हुआ ही नहीं, उसका अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ ही नहीं बल्कि उसने खुद डिसेबल किया है, और अगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मैं अनुरोध करती हूँ कि राखी सावंत को इस घिनौने मजाक के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. इस तरह से मैंने एक कंप्लेंट बनाकर भेजी. आज सवेरे आप देख सकते हैं टाइम 2:31 AM, और आज दोपहर को इसी कंप्लेंट की एक हार्ड कॉपी मैंने ओशिवरा पुलिस चौकी पर पहुंचा दी दस्तखत करके. तो देखिए, अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता है, तो साइबर पुलिस को ये मालूम करने के लिए बहुत समय नहीं लगता. तुरंत वो पता लगा सकते हैं कि किस आईपी एड्रेस से हैक हुआ है, किस डिवाइस से हैक हुआ है, और साइबर रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चल सकता है कि हैकर कौन है और कहां से उसने ये इस अपराध को अंजाम दिया. आप एवं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते, हैकिंग का इल्जाम या कोई भी इल्जाम हो. तो राखी सावंत ने फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी अपने इस घिनौने मजाक में मेरा नाम शामिल करके. देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है मेरे साथ. क्यों इतनी दुश्मनी, क्यों, क्या बता सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ. अवार्ड ले लेते. अच्छा ठीक है, अवार्ड लेकर मैं आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं मैसूर गई थी राखी सावंत के लिए इंसाफ की गुहार लगाने. कैसे उसने मुझको मजबूर किया था, वो मेरे घर पर आई, मेरे सामने रोई, और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ राजश्री भी आई थी. तो राजश्री इस बात की गवाह है कि वो मेरे सामने आई, मेरे घर पर रोकर, गिड़गिड़ाकर उसने कहा कि शर्लिन, अगर तुम मेरी बहन हो, अगर तुम महिलाओं के लिए कोई मसीहा हो, तो मेरे साथ चलो. मैंने कहा, भाई, बहन, मेरी बहन, मैं तेरी सगी बहन तो हूँ नहीं, और तूने जो हरकत करी है मेरे साथ मीडिया के सामने, मेरे आपत्तिजनक फोटोज वीडियोस दिखाकर, मेरी इज्जत की नीलामी करके, तूने जो शर्मसार काम किया है, उसके बाद अगर तू कहती है कि तू मेरी बहन है और मैं तेरी बहन हूँ, तो इससे बड़ा घिनौना मजाक हो ही नहीं सकता. तो मैंने कहा, ये बहन वहन ये सब साइड में रख, ये बता कि तू क्या चाहती है मुझसे. तो उसने बोला कि तू बहुत अच्छा बोलती है, तू बहादुर है, तू चल मेरे साथ, क्योंकि इस समय पीड़ित मैं हूँ, मेरे शौहर ने मुझको दगा दिया,
धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई की, तू चल मेरे साथ, तू अपने सारे रंजिश को दरकिनार करके मेरे साथ चल। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे लगता है इंसाफ मिलेगी, तुझे इंसाफ मिलेगा या जस्टिस मिलेगी तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूंगी। जो लड़की दूसरों के लिए स्टैंड ले सकती है, क्या वो खुद के लिए स्वयं के लिए स्टैंड नहीं लेगी या नहीं ले सकती है? तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि मेरे चलने से आपको इंसाफ मिलेगा, मैं चलने को तैयार हूं। तो मैं गई वहां पर, लेकिन वापस आने के बाद राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ अवार्ड लेने के बाद। धन्यवाद जी। एक सेकेंड, आप मुझे कैमरा में देखना, आपको देखना। हाँ, यही बोलूँगी कि मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, मतलब बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं, नर्वस भी हूँ, खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए मिला है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला है। आई एम सो हैप्पी कि ऑडियंस से मेरी परफॉर्मेंस कनेक्ट कर पा रही है और ऑडियंस इतना पसंद कर रही है कि मुझे अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो रियली रियली ब्लेस्ड और थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑल द सपोर्ट। Thank you so much. Such a pretty lady is given to me. So it's a responsibility, it's an honor. So I'm blessed and happy. Thank you so much. Thank you. Thank you. एक्चुअली अवार्ड एक ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे बचपन में कहते थे ना कि जब हम स्कूल जाते थे और मास्टर जी एक रेड मार्क भी दे दे तो वैसी चीज़ हो गई, एक पीठ पे थपथपाक जैसी होती है ना, वैसा अवार्ड होता है ताकि तुम और आगे जो काम करो उसके लिए तुम्हें एक मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू इंडियन फिल्म्स जिन्होंने हमारी फिल्म को देखा, रिकग्नाइज किया, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सेम हियर। थैंक यू सो मच। पहली बात, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के बारे में, इंडियन फिल्म के बारे में, एंड इट्स रियली एक्साइटिंग एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड टू गेट अ अवार्ड टुडे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अवार्ड के बाद नाउ बाइट करते हैं। Thank you.
कौन पूछ रहा है? आई एम वेरी एक्साइटेड फर्स्टली बिकॉज कहीं भी किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है एंड एज अ फिल्म एक्टर फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो सो आई फील लाइक इट्स अ गुड एंड वेरी गुड प्रेस्टीज टू हैंडल सम अवार्ड्स एंड शॉर्ट फिल्म हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज में हैं डिफरेंट डिफरेंट जिन से हैं तो सब लोग जब मिल के एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं आई गेस इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई गेस ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री में सो आई फील it's very good honor to be part of this ceremony and I'm wishing everyone whoever is getting the award that just rock it and keep entertaining everyone yeah thank you vishal mohan vishal ji ये जो आज का दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ऐसा शायद पहली बार मैं देख रहा हूं कि इंडियन फिल्म्स में बड़ी फिल्में बड़े सितारों सबको अवार्ड तो दिया जाता है लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि छोटी फिल्म और छोटे फिल्म बनाने वाले शॉर्ट फिल्म में काम करने वाले सभी को आज अवार्ड देके एक प्रोत्साहित किया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ऐसा एक बोला जाता है ना कि बड़ों को तो सबको ही पहुँचे छोटे का कोई नहीं तो यहाँ पे जो ईशरानी जी ने और महेश जी ने जो कोशिश किया है दैट इज़ अ वंडरफुल कि छोटे छोटे लोगों को प्रोत्साहन आज जो छोटा है वो कल बहुत ही बड़ा बनेगा शायद सबसे बड़ा हो सकता है एक कोई मिसाल के साथ में इन्होंने जो कोशिश किया है छोटे लोगों को प्रोत्साहित इट इज़ अ वंडरफुल एंड रियली सबको जो अवार्ड जीतने वाले को और ये ऑर्गेनाइजर को सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ थैंक यू वेरी मच सर
तुम। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ये आएगी ट्रॉली, ये ट्रॉफी बीच में लेके आएंगे, इसमें लाएंगे ना ऐसे जी। ये मुझे भी समझ में नहीं आया, और बेस्ट नेगेटिव अवार्ड अभी हालांकि 14 दिन हुए हैं, 14 डेज, आज 15वां दिन है, और अभी से मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच फिल्मी शॉर्ट्स एंड फिल्म इंडियन फिल्म हिस्ट्री, राज जी, अनीता जी एंड एवरीबॉडी। क्या कहूँ, इतने तो करोड़ कमा रहे हैं, और ये जो लोगों के सबके आपका जो प्यार मिल रहा है ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू। अली पानी लो, हो गया ना अपना। हाँ बोलिए। देखिए, साइलेंस प्लीज, देखिए राखी सावंत के खिलाफ मेरी लड़ाई कभी थी ही नहीं, मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। इस लड़ाई में राखी सावंत ने उड़ता हुआ तीर लिया, क्यों? क्योंकि उसकी आदत है दूसरों की लड़ाई में जबरन घुसना। जब उसने मर्यादा की सीमा पार करी, मीडिया को बुला बुलाकर मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, सरेआम मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करी, तब मैंने उसके खिलाफ अम्बोली पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज करी, जिसके चलते उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसके बाद वो क्या करती है, वो रोकर मेरे घर पर आती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आदिल को अपना भाई ना बोलूं, और कहती है कि मैं उसके साथ मैसूर चलूं उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। जब मैं पूछती हूं क्यों, ऐसा क्यों करूं मैं, तो वो कहती है क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूं, क्योंकि मैं बहादुर हूं, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मेरे शब्द लोगों के दिलों तक जाते हैं। तो उसने कहा कि क्योंकि समाज में मेरी स्टैंडिंग है, वो चाहती थी कि मैं उसके लिए खड़ी हो जाऊं। मैंने हमेशा पीड़ित महिलाओं का साथ दिया है, तो उसने मुझसे विनती करी कि मैं अपने पर्सनल डिफरेंसेस दरकिनार करके उसके साथ जाऊं और उसको सपोर्ट करूं। मैंने उससे कहा कि इंसानियत के तौर पर मैं जा सकती हूं उसके साथ, लेकिन इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि एक महिला होने के नाते मैं अपने लिए स्टैंड ना लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महिला खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, वो क्या ही दूसरों के लिए कुछ भला कर पाएगी। मैसूर से आने के बाद
हम दुबई गए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड के लिए। वहाँ से लौट कर आने के बाद राखी ने राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक कागज पेश किया और कहा कि मैं उस कागज पर दस्तखत करूं। जब मैंने उसे पूछा कि उस कागज पर क्या है और पढ़े बगैर मैं कैसे दस्तखत कर सकती हूं, तो उसने बताया कि उस कागज पर FIR वापस लेने की बात लिखी गई है। मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे किसी भी कागज़ पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ, ख़ास तौर पर अपने वकील के साथ सलाह मशवरा करके, अपने वकील के साथ बगैर सलाह मशवरा किए ऐसे कागज़ पर मैं दस्तखत नहीं कर सकती हूँ और किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन उसको साफ साफ बोला कि आइंदा इस किस्म का कागज़ मेरे सामने पेश मत करना, ऐसी कागज़ मेरे सामने पेश मत करना। स्पष्ट रूप से मैंने उसको समझा दिया था, जिसके चलते उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उसे लगा कि मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरी इज्जत उछाली, मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरे साथ मर्यादा की सीमा पार करी। मैंने उसे समझाया कि एक इंसान होते हुए मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाकर, लेकिन एक महिला होते हुए अगर मैं अपनी इज्जत की हिफाजत ना कर सकी तो मैं दूसरों के लिए मोर्चा कैसे खोल सकती हूँ, मैं दूसरों के लिए इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ सकती हूँ अगर मैं खुद को ही इंसाफ नहीं दिला सकती। उसे मेरी ये बात बुरी लगी और तब से लेकर आज तक वो इस बात से नाराज है कि मैंने उसके कागज पर दस्तखत नहीं किए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूं अपने दमखम पर, और अगर वो समझती है कि मुझे धमकी देकर वो मुझे डरा सकती है या मेरे इरादों को कमज़ोर कर सकती है, तो ये उसकी ना समझी है। मैं कहूँगी उसे समझना चाहिए कि एक महिला से वो ये उम्मीद नहीं रख सकती है कि वो महिला अपनी इज्जत को उछलते हुए देखे सरेआम मीडिया के सामने, अपनी इज्जत को चूर चूर होते हुए देखे। नहीं, ऐसा अनर्थ मैं नहीं होने दूंगी। अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती हूं तो मैं इस समाज के लिए क्या ही कर पाऊंगी। उसे समझना चाहिए और इस तरह की उम्मीद किसी से भी न रखे वो। और ये जो लड़ाई है ये इंसाफ की लड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को इंसाफ मिले जो असल में पीड़ित है, और हम सब जानते हैं कि असल में पीड़ित कौन है। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you.
अवार्ड्स फॉर गिविंग मी दिस ऑनर. और मुझे अवार्ड मिला है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कैटेगरी में. तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये पॉपुलर फेस, राइजिंग स्टार, ये सब आप सब लोगों की वजह से हम बनते हैं. सो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. और पॉपुलैरिटी आपसे, हमारे सभी मीडियाजनों से आपसे हमारी पॉपुलैरिटी बनती है. सो कीप शोइंग दैट लव. और इसी तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की उम्मीदों पर खरी उतरूं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा. आप, मैं तो ये बोलूँगी कि कलाकार के तौर पे आप सालों से काम करते हो और ऐसा कुछ मिलता है तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होता है और लगता है कि नहीं आप सही कर रहे हो. और ऐसे तो खैर मेरे कला को बहुत, मतलब एज एन एक्टर मैं बोलूँगी, मुझे परफॉर्मर के तौर पे हमेशा बहुत प्यार मिला. बट अभी जो मेरी फिल्म गई ऑस्कर्स में, इससे मैं बोलूँगी कि एक अलग लेवल का प्यार, इज्जत पूरे देश भर से मिली. और ये मेरे जैसे कलाकार जो बहुत छोटे शहर से आते हैं, बहुत उम्मीद लेके मुंबई जैसे शहर आते हैं, तो आई वुड से दिस इज द माइलस्टोन जस्ट स्टार्टेड. एक अलग स्टेज ऑफ माय करियर हैज जस्ट स्टार्टेड. थैंक यू. हां जी, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. मेरी इस साल एक मूवी आ रही है अमीषा पटेल के साथ, तौबा तेरा जलवा. आई फील ब्लेस्ड क्योंकि साउथ में मुझे पूरी जगन्नाथ सर ने लॉन्च किया था और बॉलीवुड में विक्रम भट्ट सर ने, और अब मेरी मूवी आ रही है तौबा तेरा जलवा. सो आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर माई वर्क. आई फील अमेजिंग. थैंक यू. Thank you. Thank you so much. हाँ, चमचमाते ट्रॉफी के लिए इस इवेंट में मुझे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. सो थैंक यू इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड फिल्मी शॉर्ट फेस्ट. दिस राइजिंग स्टार का मिलने का मतलब ये है कि आई एम गोना राइज एंड आई एम ऑलरेडी राइजिंग एंड सही पाथ पर चल रहा हूँ एंड सही रास्ते पर जा रहा हूँ. सो आई एम गोना रीच समवेयर जहाँ मैं चाहता हूँ, अपने लक्ष्य की तरफ. Thank you so much and I'm really happy to get this and hopefully next time I'm going to get even better. So thank you so much. So ye to main bata chuka, I'm happy to get this award, rising star of the year. Aur baki maine abhi meri ek series aayi hai Amazon pe, Adhura. अगर एम एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया, अगर नहीं देखिए तो प्लीज़ देखिएगा. एंड प्लस आई हैव कपल ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. एक रेत है जो काफ़ी रिनाउंड OTT पे आने वाली है बहुत जल्दी. इट्स अ वेब सीरीज, हिंदी वेब सीरीज. देन आई हैव अ साउथ फिल्म कोरंगी नंची. इट्स गोना कम, इट्स गोना रिलीज वेरी सून, प्रोड्यूस बाई NFDC. हाँ, साउथ तेलुगु फिल्म. सो इट्स गोना बी NFDC ने प्रोड्यूस किया उसको. NFDC ने प्रोड्यूस किया. So it's gonna come very soon on the OTT as well after it get released. बाकी और कुछ हैं, और एक 100 एपिसोड की finite सीरीज़ है जो वो भी एक बहुत अच्छी OTT पे आने वाली है. सो मे बी इन लाइक सिक्स मंथ्स इट बी ऑन एयर अगेन. बाकी मिलते रहेंगे. साउथ मूवी साउथ मूवी इसका नाम है कोरंगी नंची. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट दो. कोरंगी नंची प्रोनाउंस, आई एम होपिंग आई एम प्रोनाउंसिंग राइट. उसका इंग्लिश नेम है हु विल मैरी थॉमस. द इंग्लिश नेम इज, तो बेसिकली इट्स द डायरेक्टर इज के जयदेव जो ऑलरेडी नेशनल अवार्ड विनर है. द DOP इज मधु अम्बट. ही हैज 3 नेशनल अवार्ड्स. अर्चना जी हैं उसमें एक्टर हैं जिनका कम बैक है. एंड आई एम द ओनली वन हु इज प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर इन दैट फिल्म. सो आई एम लाइक आई एम वन बी आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड विद द रोल. Looking forward for the release.
बागुन नारू अब एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा है बट यार आप थैंक यू बड़ा कहो थैंक यू फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक प्रेरणा एंड बाबूआई दीवा एंड राजेश रानी सर एंड ग्लैड टू बी हियर द पार्ट ऑफ इट थैंक यू सो मच आज का जो इवेंट हुआ है फिल्मी शॉर्ट फेस्ट करके रियली एक्साइटेड बिकॉज इसमें जो शॉर्ट फिल्म्स आई हैं वो अपने आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म्स आई हैं और मुझे ये सच में ये दिल से कहना चाहिए राज जी को कि उन्होंने ये जो पहल की है जो उन्होंने ये स्टार्ट किया है ये सारे डायरेक्टर्स के लिए जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फिर न्यू डायरेक्टर्स हैं जिनको शायद चांस मिलता है या नहीं मिलता है या रिकॉग्नाइजेशन मिलता है या नहीं मिलता है उनको इस प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्नाइजेशन मिला और उनकी फिल्म्स यहाँ तक पहुँची हैं ये पैन इंडिया है मतलब ऑल ओवर इंडिया से अगर फिल्म्स आई हैं तो यानी कि बहुत बड़ी चीज़ है ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं अपनी फिल्म्स को लेकर आते हैं चीज़ें बनाते हैं तो उनके डायरेक्शंस को उनके कंसेप्ट को लोगों तक पहुँचाना मतलब वो अपने आप तक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं तो उसके लिए ये बहुत बड़ा मंच उन्होंने क्रिएट किया है तो रियली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर राज जी एंटायर टीम कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है इट्स वेरी गुड थिंग्स आई एम रियली हैप्पी नॉमिनेशन का देने का और स्टेज पे आके अवार्ड देने का मौका मिला इट वॉज फैंटास्टिक मैंने पर्सनली जाके आज से दो दिन पहले कुछ मूवीज पर्सनली देखी एंड आई मस्ट से दैट सम ऑफ दीज मूवीज वर इनक्रेडिबली मेड मतलब छोटे से समय में उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बात थॉट प्रोवोकिंग बातें बड़े ही शानदार तरीके से बताई सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स थैंक यू नाम नहीं पूछा थैंक यू सो मच मेरे मम्मी पापा मेरे बड़े बूढ़े जिन्होंने जिनके साथ से मेरे को आशीर्वाद मिला और थैंक यू सो मच इंडियन फिल्म हिस्ट्री इंडियन फिल्म फेस्ट एंड फिल्म जॉब जिन्होंने हम जैसे फिल्म मेकर को चांस दिया है कि हम अपनी फिल्म शोकेस कर सकें और बता सकें हाँ और बाकी हमारे जो ओल्ड फिल्म मेकर्स है उनको थैंक यू सो मच कि उनकी फिल्में देख के हम थोड़ा बहुत कुछ सीख पाए कि स्टोरी टेलिंग क्या है फिल्म मेकिंग क्या है दूसरी चीज़ कि मेरी फिल्म में तमाशबीन आप ज़रूर देखें यूट्यूब पे है तमाशबीन
बाकी तो थैंक यू, बस थैंक यू जी, थैंक यू। आयुष जी, आयुष सर, मिहिर तू आ खड़ा क्यों है? थैंक यू फॉर फिल्मी शॉर्ट फेस्ट, अनएक्सपेक्टेडली वी आर नॉमिनेटेड फॉर 3 कैटेगरीज एंड वी गॉट समथिंग इन 3 कैटेगरीज बट वी गॉट द बेस्ट फिल्म अवॉर्ड, सो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। दिस इज़ आवर फर्स्ट फिल्म। थैंक यू फ्रॉम ACP सर एंड मैम किरण मैन टू बिलीव इन माई स्टोरी एंड गिव अस अ चांस टू डू my actress. It was when I was selected as an actor in the film, you know, I was unable to believe also ki yaar mujhe he selected, he believed in me, and the way he guided us and my co-actors as well. Entire shooting day pata bhi nahi chalta tha ki kab shoot khatam ho gaya, and bahut maza aaya, and the concept jo concept hai na wo mera favorite hai, वो स्टोरी बहुत पसंद आई। तो एज एन एक्टर मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे चांस मिल गया करने का, एंड वाज अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू।